हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि लेंस क्या होता है, किस किस टाइप से होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं कि लेंस जो है उससे इमेज किस तरीके से बनती है, उससे इमेज बनाने के लिए हम किन किन रेज का यूज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो अपने पास हमने प्रिंसिपल फोकस देखी थी दो टाइप की, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उससे रिलेटेड अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो वो फोकल लेंथ लेंस की मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमने क्या क्या पढ़ लिया था लेंस के अंदर? हमने पढ़ लिया था फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, तीनों चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दोनों सरफेस के लिए वो भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या है। जो फोर्थ नंबर है वो क्या होता है अपने पास? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ जो है मिरर की, उसे एफ से, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब अपने पास दो फोकस हैं, प्रिंसिपल फोकस है, तो दोनों प्रिंसिपल फोकस में से हमने क्या कहा था मेजॉरिटी किसकी होगी, या किसी क्वेश्चन के अंदर अगर नॉर्मल वर्ड काम में आ गया केवल प्रिंसिपल फोकस तो उसका मीनिंग क्या है, क्या समझेंगे हम, कौन सा प्रिंसिपल फोकस है? वो है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ जब आपको कैलकुलेट करनी होती है तो फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस की ही बात करते हैं। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम लेंस ऑप्टिकल सेंटर, लेंस ऑप्टिकल सेंटर इज नॉन एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यानी जो अपने पास सेकंड प्रिंसिपल फोकस है F2, सेकंड प्रिंसिपल फोकस की उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोला जाता है। अब अगर हम इसके बाद में बात करें कि कौन से की पॉजिटिव होती है, कौन से की नेगेटिव, तो कल हमने दोनों के लिए ही डायग्राम बनाए थे प्रिंसिपल फोकस के लिए। तो अगर हम वहाँ से कंपेयर करें तो जो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो तो अपने पास होती है पॉजिटिव, और जो अपने पास कॉनकेव लेंस होता है इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अब कैसे आया ये? यह आप दोनों के डायग्राम देख सकते हो कि दोनों के डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं प्रिंसिपल फोकस जो होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो कहाँ पर बना रहा हूँ, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वही क्या होती है? उसकी फोकल लेंथ होती है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब अगर फोकल लेंथ हम लोग प्लेन मिरर की भी बात करें तो प्लेन मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। प्लेन मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर, तो वो होता है एपर्चर। अब एपर्चर या एपर्चर क्या होता है? तो एपर्चर हमने पहले से भी देखते आए हैं हम लोग
क्या बोलेंगे हम लोग, जो कि जो इफेक्टिव डायमीटर है लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया का, वो क्या कहलाता है, एपर्चर बोला जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट इमिटिंग एरिया इज नॉन एज एपर्चर ऑफ लेंस। अब लेंस का जो एपर्चर है वो जितना ज़्यादा होगा उससे जो लाइट रे पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो इंटेंसिटी है वो हम एपर्चर से रिलेटेड कर सकते हैं, जो से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। कि जो इंटेंसिटी होती है इमेज की, वो इमेज की इंटेंसिटी एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर सिक्स्थ नंबर की हम लोग बात करें तो सिक्स्थ नंबर जो है वो अपने पास क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है, तो कोई भी लेंस लाइट रे को कितना बेंड करता है, कितना डेविएट करता है, ये उसकी पावर होती है। ठीक है, कोई भी लेंस लाइट रेज को कितना बेंड करता है या कितना डेविएट करता है वो, तो वो क्या होती है, उसकी पावर होती है। जैसे कोई अपने पास, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइटों को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, कन्वर्जिंग लाइट रे बनाता है वो। और ऐसे ही अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की, यानी बेंड करने की जो अपने पास यहाँ पर है कि कितना वो बेंड कर पाता है, वो क्या बोला जाता है, पावर ऑफ ए लेंस बोला जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, पावर मीन्स ability of bending or deviating light rays passing from it, यानी इससे जो पास होने वाली लाइट रे है, इससे पास होने वाली लाइट रे को वो कितना बेंड कर सकता है या कितना डेविएट कर सकता है, इसकी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। अब अगर हम बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के पावर की, तो जो अपने पास पावर होता है, ये पावर इज इक्वल टू होता है 1/focal length। और फोकल लेंथ जो है वो आपको किसके अंदर लेनी है, मीटर के अंदर। अगर आप 100 सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो मैं ऊपर लिख दूंगा 100/focal length, और ये जो फोकल लेंथ है अपने पास F, ये आप किस में लिखोगे, सेंटीमीटर के अंदर है लिखोगे। जो पावर का, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। पावर जो है इसको आप लोग किसके अंदर मेजर करते हो, डायोप्टर के अंदर मेजर करते हो। अगर हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्वेव लेंस की पावर की बात करें, तो जो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी पावर जो होती है
कॉन्वेक्स जो अपने पास लेंस होता है इसकी पावर जो होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट रे को, और कन्वर्ज करने पर पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है लाइट रे को, तो जो पावर होती है इसकी वो क्या, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर की बात कर लें तो प्लेन जो मिरर है उसकी डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पावर होती है क्या, क्या वो लाइट रे को बेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, वो क्या करता है, सीधी निकाल देता है। तो प्लेन जो मिरर है उसके लिए जो पावर होती है वो कितनी निकाल देता है, तो प्लेन जो मिरर है उसके लिए जो पावर होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर होती है पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो पावर होती है नेगेटिव, और प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ तो कितनी होती है, इनफाइनाइट, और उसके लिए पावर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अब यहाँ से भी हम लोग सीधा देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो अगर मैं प्लेन मिरर के लिए इनफाइनाइट रखूँ तो ये बन जाएगा 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो प्लेन मिरर के लिए पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी। ऐसे ही मैं F की वैल्यू पॉजिटिव रखूँगा तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। F की वैल्यू नेगेटिव रखूँगा तो पावर जो है वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को और नोट करनी है, नोट कीजिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, कि लेंस से जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनेगी और क्या क्या कंडीशन उनकी होगी। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि आप लोगों को जो है वो इमेज किस तरीके से बनानी है लेंस के लिए। तो सबसे पहली बात तो कि लेंस से इमेज बनाने के लिए हम कौन कौन सी लाइट रेज जो है वो काम में लेते हैं। तो जो लाइट रेज हम लोग काम में लेंगे वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लाइट रेज जो है वो कौन सी होंगी। अगर मैं फर्स्ट लाइट रे की बात करूं, दो लाइट रे हम लोग लेंगे क्योंकि इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो लाइट रे चाहिए, तभी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनेगी। तो दो लाइट रे चाहिए, तो पहली लाइट रे कौन सी होगी, पहली लाइट रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये बोलेंगे कि इफ़ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस इट पासेस या इट इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट
सेकेंड फोकस पॉइंट, यानी जो पैरेलल लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल लाइट रे लेंस से पास आउट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के सेकंड फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, या प्रिंसिपल फोकस को या प्रिंसिपल एक्सिस को सेकंड फोकस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गई पहली लाइट रे जो हमने पहले भी देख रखी है जब हमने सेकंड फोकस पॉइंट पढ़ा है तब, ठीक है। दूसरी लाइट रे कौन सी लोग या हम लोग, दूसरी लाइट रे होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनी इंसिडेंट लाइट रे, एनी इंसिडेंट लाइट रे विच इज passes from which is passes from optical center remains undeviated, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर है इस ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए या ऑप्टिकल सेंटर में से कोई लाइट रे जो है वो किसी भी लेंस के ऊपर आ रही है और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को पार कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट हो रही है, तो वो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, यानी कोई भी वहाँ पर एंगल का डेविएशन जो है वो नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दो लाइट रे कौन कौन सी हो गई, पहली लाइट रे कौन सी हो गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद में या लेंस से पास आउट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को सेकेंड फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। दूसरी लाइट रे कौन सी हो गई कि ऐसी लाइट रे जो उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट हो रही है, वो लाइट रे बिना डेविएट हुए चली जाती हैं, यानी वहाँ पर कोई एंगल का डेविएशन जो है वो नहीं होता है। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग लेंस से अलग अलग इमेज जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जो बनती हैं वो किस तरह से बनेगी और क्या क्या उनके लिए कंडीशनें होंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर अपने पास रखा हुआ हो। तो सबसे पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed at infinite, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर हो, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो u की वैल्यू है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो डायग्राम बना के देखते हैं इसका। हमने बोल दिया कि ये अपने पास हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये अपने पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये वाला हो गया अपने पास ऑप्टिकल सेंटर। कोई लाइट रे का डेविएशन जो है वो मिड पॉइंट से हम लोग मिड लाइन से हम लोग शो कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया अपने पास ऑप्टिकल सेंटर है सी। अब यहाँ पर अगर हम फोकस की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी फर्स्ट और सेकेंड अपने पास प्रिंसिपल फोकस होंगे, तो हम लोग यहाँ पर बोल लेते हैं कि एक फोकस है और दूसरी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं। अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम होंगे इसकी फोकस के लिए, अगर दोनों कर्वेचर जो हैं वो सेम हो तो ये अपने पास जो है वो हो गई सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये अपने पास हो गई सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये हो गई फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब लाइट रे जो आ रही हैं वो लाइट रे यहाँ से आ रही हैं इनफाइनाइट से,
अब मैं अगर इसकी डबल डिस्टेंस यहाँ पर देख लेता हूँ तो एफ़ ये जितनी है उतनी ये, तो इसे हमने 2f डिस्टेंस बोल दिया। यहाँ पर भी हम लोग इतनी डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 2f बोलेंगे। अब देखो क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है मतलब लाइट रे जो आती हैं मिरर तक, वो लाइट रे कैसी आती हैं, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रे आ रही हैं अगर, तो एक लाइट रे जो है वो हमने बोल दी कि वो पैरेलल आ रही है, एक लाइट रे जो है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। चलो ये पैरेलल लाइट रे जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है आ गई। अब ये लाइट रे जो है वो यहाँ पर लेंस के ऊपर आएगी और लेंस से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। दूसरी लाइट रे जो आएगी वो भी कैसी पर आएगी और लेंस से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। दूसरी लाइट रे जो आएगी वो भी कैसी आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी। अब पैरेलल जो लाइट रे आती है वो लेंस से पास आउट होने के बाद में कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो मैं कहूँगा वो यहाँ से डेविएट हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर, यानी जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है इस पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाली जो लाइट रे पैरेलल आ रही थी ये भी कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ हो, इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो, यानी यू की वैल्यू इनफाइनाइट हो, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर मिलता है हमें, प्रिंसिपल फोकस पर मिलता है। तो जो इमेज बनेगी इसके, वो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ पर बनेगी। अगर हम इमेज की क्वालिटीज़ की बात करें इसके अंदर कि इमेज जो है वो किस किस तरीके की होगी, तो देखो क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो कहाँ पर बनेगी इमेज, तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, एट एफ यानी प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। अब दूसरी अगर हम बात करें कि ये रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो लाइट रे जो आ रही हैं वो एक्चुअल के अंदर किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, अपने पास रियल बन रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, तो जो पॉइंट इमेज बनती है वो पॉइंट इमेज जो है वो यहाँ पर कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टी जो है वो इमेज बनेगी। साइज की बात करें तो साइज जो है वो कैसी होगी, बहुत ही छोटी साइज होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी लाइट रे आ रही है पैरेलल, उन पैरेलल लाइट रे सारी की सारी कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो इमेज की साइज है वो साइज बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेरी स्मॉल साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज की जो साइज है वो बहुत ही कम होगी। और अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो साइज जब बहुत कम है और इन्वर्टेड है तो m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन माइनस वन यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्टेड आ गया तो इन्वर्टेड से तो माइनस आ गया, और ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी या बहुत स्मॉल होगी तो वन से क्या हो गई, ये लेस हो गई। तो m की वैल्यू जो है वो माइनस वन से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट अपने पास इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत छोटी इमेज बनेगी। उसके लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो लेस देन माइनस वन होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करें हम लोग।
तो सेकंड कंडीशन जो है इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वो थोड़ा और पास ले आओ। कैसे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और 2f के बीच में कहीं पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज जो है वो किस तरीके की बनती है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग बना लो, यहाँ पर ये आपने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये बना ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास F, ये वाला यहाँ वाला जो पॉइंट है वो हो गया F, उसके बाद में जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इधर भी होगी, और ये वाला जो पॉइंट है इसे हमने बोल दिया 2F, और इधर ये वाला पॉइंट जो है इसे बोल दिया हमने 2F। अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो इनफाइनाइट और 2F के बीच में कहीं पर है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं पर है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसको ले लिया, या फिर मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस मैं F और F को इधर बोल लेता हूँ कि यहाँ पर जो है वो है मेरे पास F। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये अपने पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल फोकस, ये यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया 2F, यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया 2F, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इनफाइनाइट और 2F के बीच में, इनफाइनाइट और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी हमें इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज हमें बनानी है तो हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे कि इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो दो लाइट रे लेनी पड़ेगी। एक लाइट रे जो है वो हम लोग ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये हम लोग इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करने के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब लाइट रे लेते हैं, तो हम यहाँ से एक लाइट रे जो है वो तो ले लेते हैं जो बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे जब लेंस से होकर पास आउट होती है तो वो इसके प्रिंसिपल फोकस से होकर चली जाएगी, पढ़ा है हमने ये, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे कौन सी, दूसरी लाइट रे जो है वो हमने क्या ली, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले, कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट होने वाली जो लाइट रे होती हैं वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग एक लाइट रे जो है वो ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास है होने वाले, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होने वाली लाइट रे अगर हम लोग लें तो ये लाइट रे हमने ले ली। अब ये लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी चली गई, बिना डेविएट सी होकर सीधी चली गई, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। अब अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो ये कहाँ पर बन रही है, ये बन रही है F एंड 2F के बीच में। दूसरी बात, क्या ये रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो रियलिटी के अंदर दोनों लाइट रे कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज बन रही हैं। ये इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड बन रही है, ये इरेक्ट नहीं बन रही है। साइज जो है वो कैसा है, तो अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो इसके कंपैरिजन में इमेज का साइज जो है वो कम है होगा, और कम कितना होगा कि इससे पहले वाले के अंदर हमने जितना पढ़ा था उतना तो कम नहीं होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर तो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन
रियलिटी के अंदर क्या होगा कि इससे कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेयर में इमेज की जो साइज है वो क्या होगी, कम है होगी। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड 2F, तो F और 2F के बीच में इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ हमने क्या बोली, रियल या वर्चुअल, तो रियलिटी के अंदर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, तो ये देखो उल्टी इमेज बन रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज हो गई। उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो अपने पास है इसकी साइज कैसी होगी, तो मैं लिखूँगा स्मॉल साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज की जो साइज है वो क्या होगी, छोटी होगी। और इमेज की साइज छोटी यानी एम जो मैग्नीफिकेशन है, इस मैग्नीफिकेशन की होगी। और इमेज की साइज छोटी यानी एम जो मैग्नीफिकेशन है, इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन माइनस वन होगी। इन्वर्टेड है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस वन आ गया, और वन से लेस है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। तो ये अपने पास सेकंड केस हो गया। चलिए थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस जो है वो क्या हो, कहाँ पर हम लोग करें कि अब हम ऑब्जेक्ट को जो है वो इधर मूव करवा रहे हैं, लेंस की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो पहले इनफाइनाइट था, फिर इनफाइनाइट से 2F के बीच में आया, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले आते हैं, 2F पर ले आते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, प्लेस्ड एट 2F, यानी 2F वाला ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमने बोल दिया कि ये अपने पास हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाली हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये वाला पॉइंट हो गया F और ये वाला पॉइंट हो गया 2F, ठीक है। ऐसे ही इधर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर वो हो गया F और ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया 2F। अब 2F के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, 2F पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज हमें बनानी है। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये वाला। अब यहाँ से देखो दो लाइट रे ही अपने को लेनी है, वो दो लाइट रे ही लेके चलते हैं कि फर्स्ट लाइट रे होती है जो पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी लाइट रे तो वो कहाँ से होकर पास आउट होगी, इंटरसेक्शन के बाद, सॉरी डिफ्रैक्शन के बाद में, तो वो लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होगी। तो पास आउट करवाओ, देखो इमेज जो है वो बना रहे हैं। पहली जो अपने पास लाइट रे है वो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है वो कहाँ से पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से वो पास आउट हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद में, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में। दूसरी लाइट रे की हम लोग बात करें तो दूसरी लाइट रे जो है वो क्या होगी कि सेंटर ऑफ जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली लाइट रे जो है वो अनडेविएट होकर, यानी बिना किसी डेविएशन के, अनडेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो डायरेक्ट सीधी जो है वो निकल जाएंगी। तो बिना डेविएशन के अगर वो सीधी निकल जाएंगी तो देखिए किस तरीके से वो सीधी निकलेगी। तो ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से जो है वो बिना डेविएशन के डायरेक्ट निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया कि इमेज बन रही है यहाँ पर, यानी 2F पर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2F पर रखा हुआ हो
तो जो उसकी इमेज बनेगी वो भी कहाँ पर बनेगी, 2F पर बनेगी। अब इसके लिए अगर हम अलग अलग चीज़ें देखें कि क्या ये कहाँ पर बन रही है, 2F पर बन रही है, क्या ये रियल है क्या, तो बिल्कुल ये रियल इमेज है। इन्वर्टेड है क्या, बिल्कुल इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। बात करें अगर मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होगा, तो बोलेंगे 2F पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2F पर इमेज बन रही है, तो जो इमेज बनेगी वो इक्वल साइज की बनेगी, इक्वल साइज की इमेजें बनेगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पर बनेगी इमेज, तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, एट 2F। दूसरी बात, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो रियलिटी के अंदर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। तीसरी चीज, इन्वर्टेड बन रही है या फिर इरेक्ट बन रही है, तो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, तो हमने बोल दिया इन्वर्टेड बन रही है। अब इन्वर्टेड के बाद की बात करें तो साइज जो है वो क्या होगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या जो साइज है उसके सेम साइज की इमेज जो है वो अपने को मिलेगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देखना चाहें तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, -1। 1 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब तो क्या हो गया कि साइज सेम है, हाइट सेम है दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की, और माइनस का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज भी 2F पर बनती है, रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है, और ऑब्जेक्ट की साइज के सेम साइज की इमेजें बनती है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो है अपने पास, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ पर ले आए थे हम लोग, 2F तक ले आए थे। अब 2F से और आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर F और 2F के बीच में रखा हुआ हो, ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। तो देखो इमेज बनाओ इसकी, इमेज हमने बना ली, ये अपने पास हो गया एक कोई कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हो गया अपने पास F, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर हो गया 2F। अब ये आप ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है, आप लोग जितनी एक्यूरेसी से लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, उतना ही आपका डायग्राम करेक्ट बनता है, ठीक है। ये वाली यहाँ पर अपन बना लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जितनी ये वाली डिस्टेंस उतनी ये वाली, यानी यहाँ पर F, और जितनी ये वाली डिस्टेंस उतनी ही यहाँ पर, यानी यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा 2F। ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग F और 2F पर, रख दिया F और 2F के बीच में, तो F और 2F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इससे इमेज बनाएंगे, तो इससे इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे छोटा ले लेते हैं, हमने इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ले लिया, दो लाइट रे हम लोग ले रहे हैं, एक लाइट रे जो है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रे जो है वो लेंस से पास आउट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर
चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है वो हम क्या ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले, तो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर वाले, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली जो लाइट रे है वो लाइट रे बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। वो लाइट रे जो है वो बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी, बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी, तो बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों जो लाइट रे हैं वो बहुत दूर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो मैं बोलूँगा जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज बनी तो इस इमेज के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, वो बन रही है 2F के उधर, ठीक है, 2F के उधर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर हम लोग प्लस इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। अगर इधर माइनस इनफाइनाइट लेके चलते तो उधर क्या होता, प्लस इनफाइनाइट होता। तो इनफाइनाइट की छोड़ो, आप लोग सीधा ही ध्यान में रखो कि 2F के आगे बनेगी इमेज, ठीक है। उसके बाद में रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो हम बोलेंगे रियल बन रही है। इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड बन रही है। और साइज जो है वो क्या है, तो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, ये ग्रेटर साइज है, लार्ज है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ग्रेटर देन ए माइनस वन हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लेते हैं, फर्स्ट जो एम ग्रेटर देन ए माइनस वन हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लेते हैं, फर्स्ट जो चीज़ है कि कहाँ पर बन रही है, तो मैं बोलूँगा बियॉन्ड 2F के क्या बन रही है, आगे बन रही है। दूसरी बात, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो रियल बन रही है इमेज। तीसरी बात, इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ये इमेज, तो इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद की बात करें हम लोग, तो जो साइज है वो क्या है, तो हम बोलेंगे साइज जो है वो क्या है, बड़ी है। लार्ज साइज ऑफ या लार्ज साइज ऑफ इमेज, इमेज जो है वो लार्ज साइज की बनेगी। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो m की वैल्यू ग्रेटर देन ए माइनस वन होगी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड है, और वन से ग्रेटर मतलब लार्ज है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो यह अपने पास फोर्थ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और खिसका दो। ऑब्जेक्ट को अब मैं ले आता हूँ इस फोकस पर, f पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वैन ऑब्जेक्ट इज एट F, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो, F पर हो। तो अगर F पर ऑब्जेक्ट है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, हमने बना लिया ये अपने पास हो गया एक कोई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हो गया अपने पास ऑप्टिकल सेंटर C, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास F, ये वाला पॉइंट हो गया 2F। ऐसे इधर की बात करें तो ये वाला पॉइंट हो गया F और ये वाला पॉइंट हो गया 2F, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, F पर रखा हुआ है। अब इसकी हमें इमेज बनानी है। तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं तो इमेज की जो साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा ही इसके अंदर, जब मैं F के अंदर ही रख दूँगा तो देखो क्या होगा कि जो लाइट रे है वो लाइट रे, सबसे पहली लाइट रे हम लोग क्या बोलेंगे कि पैरेलल आ रही है, वो पैरेलल लाइट रे इसे फोकस से होते हुए चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है वो आएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होते हुए, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट होने वाली जो लाइट रे आएगी वो बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी।
तो ये दोनों लाइट रे जो हैं वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर, तो मैं बोलूँगा कि जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, वो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर मैं यहाँ पर चारों ही पॉइंट लिख लेता हूँ, कहाँ पर बनेगी वो इमेज, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर वो इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो ये दोनों लाइट रे रियलिटी के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि रियल इमेज जो है वो बनेगी। तीसरी चीज़ इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, तो नीचे बनेगी क्योंकि ये दोनों लाइट रे नीचे ही कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो अपने पास इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। चौथी चीज़ यहाँ पर साइज क्या होगी, तो मैं बोलूँगा साइज जो है वो क्या होगी, वेरी लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा होगी, पहले की इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, वेरी लार्ज साइज। और वेरी लार्ज साइज तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, तो हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन होगी। क्लियर है ये बात? चलिए हम लोग कॉन्वेक्स के लिए लास्ट बात करते हैं, लास्ट केस हम लोग लेके चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एफ से भी थोड़ा आगे रखेंगे। नोट कीजिए आप लोग, चलिए सिक्स्थ नंबर केस जो लास्ट है कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, तो अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, तो हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और एफ के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनती है। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका, कि किस तरीके से जो है वो इमेज यहाँ पर बनेगी। तो हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। इसके लिए हमने एक बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमने एक एक्सिस बनाकर इसको नाम दे दिया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हमने बोल दिया एफ, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोल दिया 2F, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोल दिया एफ, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोल दिया 2F। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है F और C के बीच में, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ से अगर हमें इमेज बनानी है, तो हम बोलेंगे एक लाइट रे जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल जो लाइट रे है वो किससे होकर पास आउट हो जाएगी, वो पास आउट हो जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे है वो है अपने पास ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट होने वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट होने वाली लाइट रे बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे क्या इधर जाकर कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, तो देखो इधर जैसे जैसे जा रही हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो ये दोनों लाइट रे इधर जाकर तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो किधर कर सकती हैं, तो हम कहेंगे बाई चांस अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो पीछे की ओर अगर हम इसे बढ़ाते हैं, तो ये लाइट रे जो है वो कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे देखते हैं मिलाते हैं, तो इस वाली को भी हम लोग पीछे मिलाते हैं, इस वाली को भी हम लोग पीछे मिलाते हैं, तो इस वाली को हमने पीछे मिल बना दिया, ठीक है।
अब इसको हम लोग पीछे बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको पीछे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिलता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करती रियलिटी के अंदर, रियलिटी के अंदर तो ये था कि ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करती तो हम बोल सकते थे कि रियलिटी के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको मिलाने का कोई एक तरीका देख रहे हैं। तो इनको मिलाने का कोई एक तरीका देख रहे हैं तो हमने बोल दिया कि जो इमेज बनेगी वो इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और इमेज जो है वो बन भी बहुत बड़ी रही है। वह तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस इमेज के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो हम बोलेंगे ए बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। तो 2f और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये लाइट रे मिलती भी नज़र आएंगी हमें, यानी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एग्जैक्ट इमेज या रियल इमेज नहीं बनेगी। थर्ड जो चीज़ है वो है कि ये इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। तो बाकी सारी जो इमेज बन रही थी वो तो नीचे बन रही थी तो इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन ये जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। साइज क्या होगी, तो साइज हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज। m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। अब देखो माइनस 1 हट गया है, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्टेड के लिए आता है, तो 1 से ग्रेटर मतलब जो साइज है इस इमेज की वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा साइज होगी। नोट डाउन कीजिए इसे, चलो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास दो केस बचे हुए हैं, कॉनकेव लेंस के, तो वो कॉनकेव नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास दो केस बचे हुए हैं कॉनकेव लेंस के, तो वो कॉनकेव लेंस वाले दो केस पढ़ते हुए हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो है उसका भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।